Now see the architecture of a spring framework. Now see the architecture of a spring framework is here. स्प्रिंग फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर क्या है? चलिए मैं पेंट में ड्रॉ करता हूं। कैसे होगा आर्किटेक्चर? तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, मान लीजिए दिस इज योर स्प्रिंग फ्रेमवर्क। दिस इज योर स्प्रिंग फ्रेमवर्क्स। फिर इसके अंदर मान लीजिए ऐसे है, यहां पे होगा डेटा एक्सेस, एंड इंटीग्रेशन। यहां पे होता है वेब फ्रेमवर्क एक है, फिर यहां पे निकालते हैं ऐसे। ओपी एस्पेक्ट्स इंस्ट्रूमेंटेशन यहां पे होगा मैसेजेस। ये अलग अलग ये है पूरे जिस वेट, ये अलग अलग पूरे मॉड्यूल्स है। और यहां पे शायद ऐसे कोर कंटेंट, सो कोर कंटेंट के अंदर यहां पे आपको क्या क्या मिलेगा? बीन्स, जस्ट वेट, कोर कंटेंट, फिर यहां पे रहेगा बीन्स, फिर यहां पे रहेगा कोर, यहां पे रहेगा कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे रहेगा स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज कुछ रहता है। यहां पे रहेगा बीन्स, फिर यहां पे क्या होता है आपका? कोर होता है, फिर यहां पे होता है कॉन्टेक्स्ट, एसपीएम स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज, और इसके नीचे होता है टेस्ट फ्रेमवर्क। इस तरीके से रहेगा, ये है आपका टेस्ट फ्रेमवर्क, दिस इज योर टेस्ट फ्रेमवर्क। फिर इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल रहेंगे, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है बट पता होना चाहिए। ऐसे रहेंगे सो यहां पे ऐसे रहेगा जेडीपीसी, ORM, OXM, JMS एंड ट्रांजेक्शंस। ये जो वेब है यहां पे भी रहता है वेब सॉकेट, सबलेट, वेब एंड पोर्टलेट।
वेब सॉकेट है, फिर यहां पे क्या रहेगा सबलेट, यहां पे क्या रहेगा फिर से हम लिखते हैं वेब ही रहेगा, और यहां पर रहता है वेब पोर्टलेट। अब हम इसे एक एक क्या करते हैं, एक चीज अब हम डिस्कस करते हैं। दिस इज द सम ब्लॉक्स, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ये जो पूरा का पूरा जो दिखता है आपको, ये आपका पूरा क्या है स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, राइट। ये अलग अलग मॉड्यूल्स है इसके अंदर, राइट। जैसे कि राइट, अभी हम देख रहे हैं यहां पे, देखिए अभी हम देखते स्प्रिंग कोर मॉडल ये है। अब देखिए सबसे पहला जो मॉडल है अभी हम देखते हैं स्प्रिंग कोर मॉडल, राइट। ये देखिए ये जो आपको कोर मॉडल दिख रहा है, ऐसा कहते हैं कोर मॉडल कंटेन दी, कोर मॉडल कंटेन दी, या फिर ऐसे लिखिए कोर मॉडल कंटेन फंडामेंटल फंक्शनलिटी ऑफ ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ योर स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ऐसे देखिए फंडामेंटल पार्ट ऑफ योर स्प्रिंग फ्रेमवर्क। मतलब जितना भी एक बेसिक पार्ट है ये पूरा लगेगा। अब इस कोर के अंदर बहुत सारे पार्ट है, बीन्स है, कोर है, कंटेक्स्ट और एसपीएल है, राइट। तो अभी हम देखते हैं स्प्रिंग कोर क्या है, ये मॉडल देख रहे हैं ये कोर, इसके अंदर क्या किया है। द कोर मॉडल प्रोवाइड, द कोर मॉडल प्रोवाइड ऑल द प्राइमरी कंपोनेंट। आपको प्रैक्टिकली जब हम जाएंगे तो आपको ये पूरा आर्किटेक्चर अच्छे समझेगा, फिलहाल अभी हम थ्योरेटिकली समझिए। द कोर मॉडल प्रोवाइड द ऑल प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। द कोर मॉडल कंटेन द ऑल प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क, इट इंक्लूड्स आईओसी कंटेनर, IOC, that is inversion of a control, and dependency injection feature. Spring Core model provide the all primary component, right? Primary component of the Spring framework. It include the IOC container and dependency injection feature, right? मतलब जैसे अभी हमने देखा था पहली बार, मतलब dependency injection management करना है और inversion of control अगर करना है, उसके पूरे features Spring Core के अंदर आते हैं। उसके बाद में देखिए मैं आपको जो प्रोग्राम देखूंगा तो मैं प्रोग्राम के अंदर बताता हूँ आपको कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहाँ पे हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कहाँ हो रहा है, मैं बताता हूँ आपको, बट आप थ्योरेटिकली याद रखिए ये स्प्रिंग कोर। उसके बाद में देखिए स्प्रिंग बीन्स, अभी हम ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये स्प्रिंग कोर, देन स्प्रिंग बीन्स है। अब स्प्रिंग बीन के अंदर क्या है ध्यान रखिए, दिस मॉडल प्रोवाइड, दिस मॉडल ऑफर bin factory which is sophisticated implementation of factory pattern। मतलब क्या है, इस मॉडल के अंदर सिर्फ हम ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते हैं, इससे जितने भी हम ऑब्जेक्ट वगैरह रिटर्न करते हैं, ऑब्जेक्ट जो हम बनते हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो भी इंप्लीमेंटेशन लगता है फैक्ट्री पैटर्न के जरिए, ये स्प्रिंग बिन आपको प्रोवाइड करेगा। अभी फैक्ट्री पैटर्न क्या है, एक्चुअली डिजाइन पैटर्न है, बट अभी फिलहाल इतना याद रखिए। उसके बाद स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट थर्ड है, स्प्रिंग का कॉन्टेक्स्ट, ये थ्योरेटिकली थोड़ा सा ध्यान रखिए, कॉन्टेक्स्ट मॉड्यूल बिल्ड ऑन टॉप अप ऑफ स्प्रिंग कोर एंड बिन मॉड्यूल। मतलब ये जो कॉन्टेक्स्ट मॉड्यूल जो भी है आपका, ये कॉन्टेक्स्ट मॉड्यूल आपका दो फ्रेमवर्क को कंसिडर करके बनाया गया है। प्लीज गिरीजा, प्लीज माइक्रोफोन, माइक्रोफोन, राइट। जो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मॉड्यूल है ये स्प्रिंग कोर और स्प्रिंग बिन के ऊपर बनाया गया है, राइट। राइट, ये जो है ना, एंड इट इज अ मीडियम विच हेल्प अस, इट इज अ मीडियम, जस्ट वेट, मशीन हैंग हो रहा है, जस्ट वेट, which help us to define
एनी ऑब्जेक्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कॉन्टेक्स्ट मॉडल के जरिए जितने भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, हम उस कॉन्टेक्स्ट के जरिए करते हैं। अभी देखिए स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज क्या है। स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज What is the spring expression language? We can say this model provides the expression language for modifying and querying object graph during runtime. ये मैं बाद में समझाता हूँ आपको। मतलब जैसे spring के object है, जैसे हमने कल JSP का expression language देखा है, तो JSP expression language हमने क्या किया था? JSP के जितने भी इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है उसमें से डेटा हमने एक्सट्रैक्ट किया था। वैसे आपका स्प्रिंग का एक एक्सप्रेशन लैंग्वेज है, राइट? कि जिसके जरिए आप स्प्रिंग के जो ऑब्जेक्ट है उससे आप डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, यस और नॉट, या डेटा आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं रन टाइम में। दिस इज कॉल्ड एज SPCLS, स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज, राइट? उसके बाद में देखिए अभी स्प्रिंग डेटा एक्सेस और इंटीग्रेशन लेयर, स्प्रिंग डेटा Access, or we can say here integration, data access and integration layer consist of the JDBC, ORM, JMS and transaction model, right? अभी मैं क्या-क्या डिस्कस करते हैं। JMS and transaction model is here, please. अभी देखिए यहाँ पे क्या है? सबसे पहले आपका ORM. ORM stands for Object Relationship Mapping. आगे हम देखेंगे Hibernate में, right? This is the concept which help us to work with database using a ORM concept, right? In ORM we convert class as a table and class field as a column in table and class object as a row in database table. This is called as ORM, right? मतलब ORM में हम नॉर्मली क्या करते हैं कि डेटाबेस के साथ ही हम कनेक्शन देते हैं, कनेक्शन करते हैं। बट ORM में हम नॉर्मली क्या करते हैं, अगर आपका कोई क्लास है उस क्लास को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट, सॉरी, जो कोई अगर आपके प्रोग्राम में कोई क्लास है तो हम उसे उसे क्या करते हैं, टेबल में कन्वर्ट करते हैं। क्लास के कोई वेरिएबल्स है उन्हें कॉलम में कन्वर्ट करते हैं और क्लास की ऑब्जेक्ट को हम रो में कन्वर्ट करते हैं। हम जब हम आगे जाएंगे तो प्रैक्टिकली देखेंगे। उसके बाद में देखिए आपके पास यहाँ पे JDBC, JDBC. अभी JDBC का यूज क्या है? The JDBC model consists of, the JDBC model consists of JDBC abstraction layer. JDBC abstraction layer. It helps you eliminates the need to perform manual coding related to JDBC, right? मतलब इसमें से बहुत सारा ऑप्टिमाइजेशन किया है, राइट और नॉट? जैसे हम रेगुलर JDBC जब हम यूज करते हैं तो उसके अंदर हम जितने भी नंबर ऑफ मैनुअल कोड करते हैं उतना आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में देखिए इसके अंदर और एक OXM कहते हैं, OXM इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट XML मैपर, ये होता है। इट इज यूज टू कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट टू द XML मैपिंग एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। और इसके अंदर और एक है JMS, जावा मैसेजिंग सर्विसेस मॉडल ऑफर फीचर लाइक प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग मैसेजेस, राइट? जैसे अगर आप रियल टाइम चैट वगैरह देखते हैं, इस तरीके से एप्लीकेशन JMS से कर सकते हैं।
और ट्रांजेक्शन एपीआईज में हम क्या करते हैं, डेटाबेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके लिए हम काम करते हैं, राइट। उसके बाद में अभी देखिए, वी हैव वन मोर मॉडल। अभी तक हमने ये दो चीजें डिस्कस की, ये और ये वाला। अभी हम वेब के बारे में डिस्कस करते हैं, वेब मॉडल। अभी देखिए स्प्रिंग वेब, अभी हम क्या करते देखते हैं। नाउ वी वांट टू डिस्कस अबाउट स्प्रिंग वेब। अभी वेब सॉकेट क्या है, राइट। उसके अंदर के पहले हम वेब मॉडल के बारे में देखते हैं। वेब दिस मॉडल यूजेस सर्वलेट लिस्नर एंड वेब ओरिएंटेड एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। इट आल्सो ऑफर फीचर ऑफ वेब oriented integration and functionality multi-part file upload. What is मतलब इसमें क्या होता है, सर्वलेट लिस्नर क्या होता है, कुछ इवेंट राइटिंग के लिए किए जाते हैं इंटरनली। जैसे अगर हम कोई फाइल अपलोड करते हैं, ये करते हैं, तो ये इस काम के लिए हम ये वेब मॉडल का यूज करते हैं। उसके बाद वेब सॉकेट क्या होता है, ये हम एमवीसी में देखेंगे आगे। This module stores MVC based implementation for web application. But यहां पे हम क्या करते हैं, वेब सॉकेट के जरिए हम MVC based implementation करते हैं। उसके बाद में वेब पोर्टलेट इसका मतलब क्या है। This model also called as Spring MVC Portlet. It offers Spring based portlet and copies all the functionality of web servlet model. ये जो है ना, इसके जो meanings है, ये पूरे मैं आपको जब हम आगे जाएंगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आर्किटेक्चर निकाल के दिखाऊंगा कि इसका मतलब क्या था। अभी आप सिर्फ थोड़ा सा थ्योरेटिक के लिए तो आप अपना क्या कीजिए, उसे थोड़ा सा मेंटेन कीजिए, क्लियर। उसके बाद में है ना, आपके पास एओपी वाला एक मॉडल है, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। एओपी लैंग्वेज इज यूजफुल टूल, लिखा है हमने, यूजफुल टूल विच अलाउज डेवलपर टू एड एंटरप्राइज functionality to the application. Our last test model. This model provides support for testing of a Spring component using a जैसे कि test ng or using a J unit tools. It offers consistent loading of a Spring application context and caching of those components. और ये JUnit क्या है, Test NG क्या है, ये testing framework से Java क्या? So this is a little bit introduction about the Spring architecture. देखिए, ये जो diagram है, this diagram indicates the architecture of a Spring framework is here. Okay. ये पूरा बहुत theory.